हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जुथिका लाइफस्टाइल चैनल। आप सब कैसा है? मैं जुथिका। आज सोचा सुबह से ही आप लोगों को साथ व्लॉग स्टार्ट करना, तो नींद से उठने का टाइम देर हो गया। आज फ्राइडे है, छुट्टी का दिन है, तो 10 बजे का पहले तो मैं उठती ही नहीं हूँ, क्योंकि ना 4 बजे डेली हम उठता है वर्किंग डेज में, तो आज तो 10 बजे सो ही जाता है। फिर भी 9:30 में मैं उठ गया, तो सोचा सुबह से ही आप लोगों का साथ में व्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए। तो आज छुट्टी का दिन है, इसीलिए घर में ब्रेकफास्ट बनाने का मन नहीं लगता, तो सॉरी मेरा हस्बैंड इसीलिए बाहर से ब्रेकफास्ट मंगवा लिया। तो ये कचौड़ी है और ये आलू की सब्जी है और ये सलाद टाइप का है और मॉर्निंग का चाय है। आज छुट्टी का दिन, मॉर्निंग का नाश्ता हम लोगों का यही है। तो चलिए पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसका बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गया। अभी मैं हमारा हेड में हम हेना लगाऊंगी, तो हेना लगाने के लिए देखिए हम ऐसा करके ना क्लिंग रैप करके हम फ्रिज का अंदर रख देती है नाइट का टाइम। और ये देखिए अभी ये हम अप्लाई करूँगी, मेरा हेड में मैं अप्लाई करूँगी। तो इसमें मैं हेना नला एक डाल दिया और 3-4 स्पून नींबू का जूस, मस्टर्ड ऑयल और हनी, 1 स्पून हनी, ये सब एकदम एक साथ मिलावट करके हम ऐसा करके सुबह हम बाहर इसको छोड़ दिया था। तो और आपको अगर हेड में कलर करना होगा तो आप कॉफ़ी इसमें यूज़ कर सकती है और चाय का लिकार। तो मेरे को तो कलर नहीं चाहिए, मैं कलर पसंद नहीं करती, तो इसीलिए हेयर में थोड़ा अभी ऑयल अप्लाई करेगा, नहीं तो हेयर को पूरा ड्राई कर देता है। मंथली एक बार तो काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। थोड़ा ऑयल लगाने का बाद तब ये आप हेड में अप्लाई करना है, और मिनिमम आपको 40-45 मिनट्स रखने का बाद तब आपको नहाना पड़ता है उसका। फ्रेंड्स देखिए मेरा मेहंदी लगाना हो गया पूरा, ऐसा है आपको देखिए हम कवर कर लिया मेहंदी से हम। अगर आपके पास टाइम होगा तो कम से कम मंथली एक बार आप यूज कर सकता है, अच्छा ही होगा आपको यार। अभी तभी मैं ना घर का काम 100% पीपल अपना ही कर लेती है, क्योंकि ना इधर का जो नौकर है वो बहुत एक्सपेंसिव। एक जब तक मैं झाड़ू पोछा तो हो गया, तो अभी मैं फेस में एक पैक लगाती हूँ, ऑर्गेनिक बेसन कस्तूरी हल्दी। आप कोई ऑर्गेनिक हल्दी है तो आप ले सकती है, लेकिन कुकिंग का जो हल्दी होता है कभी कभी उसमें कलर रहता है, इसीलिए मैं कस्तूरी हल्दी यूज़ करती हूँ। और एक स्पून योगर्ट, ये मैं फेस में लगा के मैं पराठा बनाऊंगी। झाड़ू पोछा तो हो गया, आप देखा ये जब तक ड्राई ना होते हैं हम पराठा थोड़ा बना लेती है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं जो मेहंदी लगाया वो अभी शैम्पू करके नहा के मैं यहाँ गया। देखिए ये ड्राई होने जाने के बाद आपको मालूम पड़ेगा इतना शाइनिंग करेगा, और इसको हेयर भी हेल्दी होता है। देखिए आपको मेरा हेयर देखिए, फेस पैक जो लगाया देखिए स्किन भी कितना हेल्दी लगता है। शैम्पू लेके आपको शैम्पू कर देना चाहिए। तो ये तो शैम्पू का बात हो गया, और आज आफ्टरनून में मैं क्या बनाई, तो आफ्टरनून में मैं बनाई प्लेन पराठा
और चिकन 65 और मिक्स वेजिटेबल करी। मिक्स वेजिटेबल करी आपको साथ आज शेयर क्यों नहीं किया, ये पहले आपको दिखाया वो सेम करी। चिकन 65 हमारा दूसरा वीडियो में हम चिकन 65 बोल के एक वीडियो छड़ा है, उसी से आप चेक कर लीजिए चिकन 65 मैं कैसे बनाया। तो चलिए मैं आफ्टरनून का मैं लंच कर लेती हूँ, उसका बाद थोड़ा रेस्ट लेके शाम को फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हम तो अभी इवनिंग का टी लेके बैठ गया, दोपहर में थोड़ा सो गया था और अभी तो चाय का साथ कुछ नमकीन लेके मैं बैठ गया चाय पीने के लिए। चाय भी देखिए लीकर चाय हम लोग पीता है, ये देखिए। तो दोपहर का खाना आज थोड़ा लेट हो गया, इसीलिए रात में क्या खाऊंगी वो अभी नहीं सोचा। तो जो भी खाएगा तो दिखाएगा आप लोगों को, यही मेरा डेली रूटीन में बनता है। थोड़ा अलग से है डेली रूटीन में, वर्किंग डेज में क्या करता है हम 8 से 8:30 बजे तक खाना खा के हम उसका अंदर सो जाता है, क्योंकि ना 4 बजे हमको उठना पड़ता है, हस्बैंड उठता है 5 बजे। यही फ़र्क है और कुछ डेली रूटीन में ऐसा कुछ फ़र्क नहीं है। तो हम चाय पीने के बाद हम सोचता है थोड़ा बाहर जाऊंगी। फ्रेंड्स, चाय पीने के बाद ना हम लोग थोड़ा शॉपिंग मॉल गया था, तो शॉपिंग मॉल से मैं आज क्या क्या लेके आई हूँ आप लोगों को साथ में शेयर करने के लिए मैं बैठ गया। अभी अभी आके ही बैठ गया, कुछ चेंज भी नहीं किया। देखिए मैं एक एक करके आपको बताती जा रही हूँ। तो पहले देखिए मैं एक मेकअप लेके आई हूँ, ये फेस प्राइमर है। ये मेकअप लगाने का एकदम पहले ये इसको आपको लगाना चाहिए। ये मेड इन, सब मेड इन जर्मन का है ये। इसका बाद ये भी एक ये मेकअप का है, ये प्राइमर लगाने का बाद ये लगाती आपको लगाना चाहिए। और ये मेड इन स्पेन का है, ये वाटर प्रूफ है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। 24 आवर्स ये आपको फेस में लास्टिंग करेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और जैसे देखिए ना, हमारा ये था लेकिन ये ख़त्म हो गया, इसीलिए मेरा को फिर से लेना पड़ा। और क्या क्या लेकर ये लिपस्टिक लेके आया, ये देखिए इसको कलर में दिखाती हूँ। ये ऑरेंज कलर का है, पता नहीं आप देख सकता है क्या, देखिए ये मेड इन जर्मन का है लिपस्टिक। और क्या, एक मिरर हम लेके आया, मेरा मिरर छोटा जो एक मिरर था वो टूट गया, इसीलिए लाना पड़ा ऐसा ऐसा ऐसा। और इसको ऐसा प्रेस करने से ये खुल जाता है, देखिए आपको दिखाई दे रहा है क्या। और फ्रेंड्स क्या लेके आया, एक ब्रश ले लिया, एक मस्कारा ले लिया, ये मस्कारा मेड इन स्वीडन का है। एक ब्रश है, ये फेस पैक सॉरी पाउडर लगाने के लिए फेस में। और एक ये रोज़ वाटर में लिया है। और मेकअप रिमूव करने के लिए मैं एक टिशू का पैक में ले लिया। और क्लिप 2-3 ऐसा, एक ऐसा मीडियम, एक बड़ा वाला क्लिप और ऐसा एक ऐसा वाला क्लिप, देखिए ऐसा क्लिप ले लिया। और एक बैग लिया मैं, ये देखिए ये बैग मेरे को बहुत पसंद आया तो इसलिए मैं ले लिया। ये देखिए इसमें आप मोबाइल फ़ोन और कुछ छोटा छोटा जो टाइनी सामान है वो भी आप रख सकते हैं। इसका अंदर भी एक ऐसा है, और बाहर में भी ये देखिए
ये बैग कैसा है फ्रेंड्स, सुंदर है ना। और एक मेरा एक पर्सनल टॉवल हम ले लिया, ये देखिए एक टॉवल, सिंपल सा एक टॉवल ले लिया ऐसे ही है। तो आज इतना सामान जो लेके आया, ये थोड़ी से सामान, ये मेड इन जर्मन का है, एक मेड इन स्पेन का है, और लिपस्टिक तो मेड इन जर्मन का ही है। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना थोड़ा से हम कॉस्मेटिक्स लिया, और ये जो बैग है ये भी ले लिया, और एक टॉवल लिया, एक कुल मिला के 550 दिरहम, मतलब इंडिया मनी में 10,000 करीब 10,500 ऐसा 10,400 और 10,500। तो देखिए कितना एक्सपेंसिव है इधर का ये सामान, बट ये सब कॉस्मेटिक्स बहुत अच्छा है। मेड इन जर्मन को तो हमको सबसे अच्छा लगता है, मेड इन स्पेन भी अच्छा है, लिपस्टिक तो हम मेड इन जर्मन ही लगाती हूँ। और इसीलिए ना कभी कभी आपको क्या है ना, हस्बैंड को पैसा ना बचाना भी चाहिए, और कभी कभी कितना पैसा उसको खर्चा करवा दिया है आज देखिए इसी का वजह से ना उसका फेस क्या हो गया मालूम, एकदम दिखाओ और एक बार आपका फेस दिखाओ, नहीं ना ना हम फेस से दिखाते हूँ, इतना खर्चा करवा दिया गया ना ना हमको रोड में ही बोलता है, तुम कभी मेरा साथ कोई शॉपिंग कोई शॉपिंग मॉल में तुम मेरे साथ कभी नहीं आओ, तुम आएगा तो मेरा पॉकेट से खर्चा हो जाता है। हम तो जाता है हम तीन एक दो साल बाद ऐसा ही हम खर्चा करवा देता है उनको, क्योंकि ना अगर कुछ नहीं खर्चा करवाएगा तो मिलेगा कैसे। आपको ऐसा ही तो प्लान लेके चलना चाहिए, जाने का पहले हम कुछ नहीं बोलते, सीधा जैसे औरत है हम चला गया, उधर जाने का बाद तो हमारा काम चालू हो गया। तो फ्रेंड्स हम देखता नहीं शॉपिंग मॉल, जब कुछ खरीदने के लिए मेरा पर्सनल खरीदने के लिए जाती हूँ ना इनका साथ, हम उसको फेस का तरह नहीं देखता कभी, हम उधर जाके हम उठा लेते हो काउंटर में जाके उसका सामने हम उधर में तो कुछ नहीं बोल सकते, मेरा को रोड पे आके बोलता है तुम कभी नहीं आओ मेरे साथ, कभी नहीं आओ मेरे साथ, फिर भी हम मैं पीछे पीछे चलती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी पूरा कपड़ा चेंज करके, हम खाने क्या खाएगा पता नहीं, कुछ तो खाना ही है रात में, अभी तो भूख भी लग गया। तो ये कॉस्मेटिक सब कैसे लगा आप जरूर बताना हमको। हाय फ्रेंड्स, मैं तो आ गया, देखिए कुरमुरा मतलब बंगाली में मुड़ी बोलता है मुड़ी, और ये देखिए खीरा, ये रात का खाना आज है, हम यही खा लूंगी। और इसका साथ साथ मैं इधर में वीडियो एडिटिंग भी चलता है, ये तो कब खत्म होगा मालूम नहीं, क्योंकि ना कभी कभी ढाई कभी कभी तीन भी बज जाता है। मेरा हस्बैंड भी मेरा को हेल्प कर देती है, तो मैं भी सीख लिया, लेकिन एक्सपर्ट जैसा ऐसा नहीं, फिर भी मैं सीख लिया, मैं अकेला कर सकती है, मेरा हस्बैंड भी हेल्प करता है। और एडिटिंग का टाइम में देखिए लेबनान का मिठाई है, आधा खा लिया, आधा आप लोगों को साथ मैं शेयर करती हूँ। ये लेबनान का मिठाई बहुत अच्छा है, एडिटिंग का टाइम में क्या करता है ना, मिठाई भी खाता है, चाय बना के लेके मैं आ जाती हूँ, देर दो बजे मैं चाय लेके आ जाती हूँ, मेरा हस्बैंड अब चाय भी पीती हूँ, और इसका साथ बस स्वीट भी मैं चलाती हूँ। मुंह को भी आपको चलाना चाहिए ना, इसी से आपको एनर्जी भी मिलता है, मन भी खुश होता है, और एडिटिंग भी आपको अच्छा से आता है आ जाएगा। तो अगर ये फ्रेंड्स, अगर ये डेली रूटीन का जो ब्लॉग है आपको अगर अच्छा लगे, तो प्लीज़ आप लोग मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसका साथ साथ लाइक शेयर बेल बटन भी दबा दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।